देखिए आज दोस्तों बताएंगे एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में क्या हुआ। एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में बताएंगे कि आप आराम से पता लगा सकते हैं कि पैनल की फॉल्ट है कि मदरबोर्ड की फॉल्ट है। यानी एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे आप आराम से पिक्चर, यानी पिक्चर जो एलईडी एलसीडी टीवी का होगा, पिक्चर आप देख कर यह पता कर सकते हैं कि मदरबोर्ड का फॉल्ट है या हमारी पैनल का फॉल्ट है। आज का जो हमारा है पैनल रिपेयर में, आज बताएंगे आप पिक्चर को, यानी जो पिक्चर की स्क्रीन पर जो फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को देखकर आप आराम से क्या होगा, मदरबोर्ड की फॉल्ट है या पैनल की फॉल्ट है, उसे आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए आपको हम ले चल रहे हैं अपने स्क्रीन पर और वहां पर ये वीडियो मिनिमम आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बताएंगे ध्यान से समझिएगा, यानी आप इस वीडियो को देखकर यह जान जाएंगे कि पैनल की फॉल्ट है कि मदरबोर्ड की फॉल्ट है, यानी इससे यह पता कर लेंगे आराम से और आराम से इसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर आज मिनिमम इससे यह पता लगा लेंगे आप कि हमारी मदरबोर्ड की फॉल्ट है या हमारी पैनल की फॉल्ट है। देखिए क्या करेंगे, अगर हमारी कोई भी एलईडी एलसीडी टीवी हो, ठीक है, कोई भी एलईडी एलसीडी टीवी हो, अगर हमारी पिक्चर ओके बन रही है, पहली अवस्था क्या है, ये पहली अवस्था है पिक्चर, अगर हमारी पिक्चर ओके बन रही है, क्या हुआ, पिक्चर अगर हमारी ओके बन रही है, उसके बाद अगर कुछ देर बाद चलने के बाद अगर हमारी पिक्चर में वर्टिकल लाइन आ जा रहा है, दूसरा जो केस है हमारी वर्टिकल लाइन आ जा रहा है, पहला केस है हमारी पिक्चर ओके चल रही है, उसके बाद हमारी दूसरा केस आ जा रहा है पिक्चर चलने के बाद हमारी वर्टिकली खड़ी लाइन आ जा रही है, क्या हुआ, वर्टिकली खड़ी लाइन आ जा रही है। इस केस में क्या हुआ, अगर हमारी पिक्चर ओके बनकर वर्टिकली खड़ी लाइन आ जाती है और हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में अगर आवाज आती है, क्या हुआ, अगर एलईडी एलसीडी टीवी में आवाज आती है तो यह हमारी 100 में से 100% पैनल की फॉल्ट होगी, ये बात याद रखिएगा। अगर हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में पिक्चर ओके बनने के बाद अगर हमारी वर्टिकली लाइन खड़ी लाइन आ जाती है, वर्टिकली खड़ी लाइन आ जाती है और एलईडी एलसीडी टीवी में अगर हमारी आवाज आ रही है तो 100 में से 100% हमारी पैनल फॉल्ट होगी। और पैनल फॉल्ट में हम क्या क्या चेक करेंगे, एलईडी एलसीडी टीवी के पैनल में हम टिकोन आईसी, क्या होगा, जो उसमें टिकोन आईसी लगी होगी, टिकोन आईसी को चेक करेंगे और रैम, यानी टिकोन आईसी से रिलेटेड सभी वोल्टेज, यानी टिकोन आईसी से जो रिलेटेड सभी वोल्टेज है, कोई भी विकोर वोल्टेज, रिसेट वोल्टेज, जो कुछ भी वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, यानी पैनल में सभी वोल्टेज को एक्यूरेट हम चेक करेंगे। इस प्रकार से हम ये हमारी पैनल फॉल्ट होगी एक्यूरेट जो टिकोन एरिया में, यानी टिकोन से लेकर रैम, यानी टिकोन या रैम की ये हमारी फॉल्ट है। अगर हमारी पिक्चर ओके बनने के बाद अगर हमारी वर्टिकल खड़ी लाइन आता है एलईडी एलसीडी टीवी में और आवाज आ रही है, एलईडी एलसीडी टीवी में और आवाज हमारी आ रही है, इस केस में हमारी जो होगी पैनल फॉल्ट होगी, जो हमारी टिकोन आईसी और रैम फॉल्ट है, यानी टिकोन आईसी की सभी बीसीसी वोल्टेज और रैम को मिनिमम चेक करके देखेंगे। अगर हमारे इस पोजीशन में अगर चेक करने पर वोल्टेज सभी ओके है, क्या होगा, मैंने सभी वोल्टेज चेक किया, सभी वोल्टेज ओके है, उसके बाद भी अगर हमारी प्रॉब्लम आती है, क्या होगा, उसके बाद भी अगर हमारी प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में क्या करेंगे, हम जो टिकोन आईसी लगी होगी रिसोल्ड हो सकती है, यानी जो पिन है, जो टिकोन आईसी हमारी लगी है उस पिन में हमारी रिसोल्ड हो सकती है, तो उसे डिसोल्डिंग करने के लिए यानी क्या करेंगे, हम हीट मारेंगे, मिनिमम हीट मारेंगे। अगर मान के चलिए हो सकता है रिसोल्ड हो या हो सकता है मॉइस्चर हो, अगर मॉइस्चर है तो आईसी को मिनिमम आपको टिकोन जो आईसी है उसको निकाल कर, यानी हाथ गन से उसे निकाल कर कायदे से साफ करके, थिनर से साफ करके या पेट्रोल से साफ करके कायदे से हम आईसी को लगाएंगे। लेकिन ये याद रखिए आईसी लगाने के लिए हमें लिक्विड पेस्ट का यूज करना है, जो लिक्विड पेस्ट होता है हम लिक्विड पेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि मिनिमम आप नॉर्मल पेस्ट अगर टिकोन आईसी को लगाने के लिए करते हैं तो उसमें फॉल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मॉइस्चर है मॉइस्चर नहीं जाएगा, याद रखिए हमेशा मिनिमम जो है लिक्विड पेस्ट से ही हम
क्या करेंगे, लिक्विड पेस्ट से ही हम टिकोन आईसी को आराम से निकाल कर लगाएंगे। उसके बाद भी अगर हमारी प्रॉब्लम नहीं हटती है, पिक्चर ओके होने के बाद भी हमारी अगर आवाज आ रही है, वर्टिकली खड़ी लाइन है, 100 में से 99% देखा गया है, टिकोन आईसी को निकाल कर फिर से कायदे से साफ करके फिर से लगाने पर हमारी पिक्चर ओके हो जाती है। अगर ओके नहीं होती है तो टिकोन आईसी बदलेंगे। अगर वोल्टेज ओके है, टिकोन आईसी बदलेंगे, 100 में से 100% हमारी पिक्चर ओके हो जाएगी। अब देखिए दूसरा कंडीशन हमारी क्या होगी, देखिए दूसरा हमारी कंडीशन क्या होगी, अगर हमारी पिक्चर ओके है, क्या होगा, ये तीसरा होगा हमारी, अगर हमारी पिक्चर ओके है, क्या है, अगर हमारी पिक्चर ओके है और हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में पिक्चर ओके चल रही है, और पिक्चर ओके चलने के बाद कुछ देरी बाद अगर हमारी वर्टिकली लाइन, चौथा पोजीशन है ये, अगर हमारी वर्टिकली लाइन आ जाती है, क्या होगा, अगर वर्टिकली लाइन आ जाती है और आवाज गायब है, यानी हमारी क्या है, अगर एलईडी एलसीडी टीवी में पिक्चर ओके बनने के बाद अगर हमारी वर्टिकली खड़ी लाइन आ जाती है और आवाज अगर आ रही है तो हमारी पैनल फॉल्ट होगी। अगर हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में पिक्चर ओके होने के बाद अगर हमारी वर्टिकली खड़ी लाइन आ जाती है और आवाज नहीं आ रही है तो यह हमारी मदरबोर्ड फॉल्ट होगी। ये हमेशा याद रखिए, अगर एलईडी एलसीडी टीवी में हमारी पिक्चर ओके बनने के बाद, अगर हमारी पिक्चर ओके बनने के बाद वर्टिकली खड़ी लाइन आती है और आवाज आ रही है तो हमारी पैनल फॉल्ट होगी। अगर एलईडी एलसीडी टीवी में हमारी पिक्चर ओके चलने के बाद अगर हमारी वर्टिकली लाइन आती है और हमारी आवाज नहीं आ रही है, यानी पिक्चर की आवाज नहीं आ रही है, तो यह हमारी मदरबोर्ड फॉल्ट होगी। और मदरबोर्ड में हम क्या क्या चेक करेंगे, अगर मदरबोर्ड फॉल्ट है हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में, अगर पिक्चर ओके है हमारी और वर्टिकली खड़ी लाइन आ रही है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम मदरबोर्ड की सीपीयू, क्या जो मदरबोर्ड की सीपीयू लगी है, रैम लगी है, क्रिस्टल लगी है, सभी वोल्टेज पहले एक्यूरेट चेक कर लेंगे। जो मिनिमम एक्यूरेट वोल्टेज चाहिए 3.3 वोल्ट, जो विकोर वोल्टेज होगी 1.2 वोल्ट से जो मिनिमम विकोर वोल्टेज होगी, और रीसेट वोल्टेज 3.3 वोल्ट मिनिमम, यह चेक करेंगे। और हम क्या करेंगे, और रैम वोल्टेज, जो रैम वोल्टेज हमारी अगर DDR1 है तो 2.5 वोल्ट चेक करेंगे, अगर DDR2 है तो 1.8 वोल्ट चेक करेंगे, अगर DDR3 है तो 1.5 वोल्ट चेक करेंगे। यानी जो मिनिमम वोल्टेज है सीपीयू रैम और क्रिस्टल की, जो क्रिस्टल की है मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहे 12 मेगाहर्ट्ज की है या 24 मेगाहर्ट्ज की है, जो है मिनिमम, ये सभी एक्यूरेट चेक करना है। अगर हमारी इसमें फॉल्ट होगी तो क्या होगा, पिक्चर हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में पिक्चर ओके बनेगी लेकिन क्या होगा, हमारी वर्टिकल लाइन बाद में खड़ी हो जाएगी। क्या होगा, इस तरीके से वर्टिकल लाइन खड़ी होकर आवाज हमारी नहीं आएगी। अगर हमारी आवाज नहीं आ रही है तो इस केस में क्या होगा, हमारी क्या है, यह मदरबोर्ड फॉल्ट है। ये 100 में से 100% ये जान लीजिए। कभी भी अगर पिक्चर ओके चलने के बाद हमारी वर्टिकली खड़ी लाइन आती है और आवाज गायब रहती है तो उस केस में क्या होगा हमारी, अगर आवाज गायब है तो हमारी मदरबोर्ड फॉल्ट है, अगर हमारी आवाज आ रही है तो क्या होगा, हमारी पैनल फॉल्ट है। ये हमेशा याद रखिए। देखिए रिपेयर करने के लिए अगर हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में पिक्चर ओके होने के बाद अगर हमारी वर्टिकल खड़ी लाइन आती है, आवाज नहीं आ रही है, उस केस में हम सीपीयू यानी जो मेन आईसी लगी है मदरबोर्ड में, क्रिस्टल, रैम को, सभी को चेक करेंगे, वोल्टेज मिनिमम चेक करेंगे। अगर मैंने रैम चेक किया, क्रिस्टल चेक किया, सीपीयू चेक किया, यानी मिनिमम जो है सबसे फर्स्ट हम क्रिस्टल चेक कर लेंगे। क्रिस्टल चेक करने के बाद अगर हमारी ओके है तो क्या करेंगे, हम रैम को चेक करेंगे। रैम की बीसीसी वोल्टेज मिनिमम फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, जो रैम की वोल्टेज है मिनिमम होनी चाहिए, ये बात के याद रखिए, नहीं तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जो एलईडी एलसीडी टीवी के मदरबोर्ड में एकदम एक्यूरेट हमारी जो रैम वोल्टेज है, रैम वोल्टेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, नहीं तो इस तरीके का फॉल्ट देखने को मिलेगा। अगर हमारी क्रिस्टल में भी कोई भी फ्लक्चुएट या अगल बगल सेटिंग है, कुछ भी है, तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर सीपीयू में भी प्रॉब्लम है तो यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यह प्रॉब्लम ज्यादातर देखा गया है हमारी रिसोल्व हो जाती है, जो आईसी लगी होती है, चाहे क्या हो, हमारी रैम लगी हो या हमारी सीपीयू लगी है, ये सब क्या होता है, हमारी
रिसोल्ड हो जाती है पीने, तो उसे डिसोल्ड करते हैं हम। अगर कभी कभी ये होता है कि मॉइस्चर हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है तो आईसी को निकाल कर फिर से हम जब कायदे से लगाते हैं तो हमारी फॉल्ट सही हो जाती है। अगर एक एक चीज करके अगर मदरबोर्ड में फॉल्ट है तो पहले क्रिस्टल देखेंगे, क्रिस्टल अगर ओके है तो सही है, और उसके बाद रैम देखेंगे, रैम को देख लिया, अगर रैम भी ओके है उसके बाद सीपीयू को देखेंगे, सीपीयू देख लिया, यानी इसमें से हमारी कोई ना कोई मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार से पैनल रिपेयर में अगर हमारी कोई भी एलईडी एलसीडी टीवी हो, पिक्चर ओके बनने के बाद क्या होगा, पिक्चर ओके बनने के बाद अगर हमारी आवाज आ रही है और उसके बाद क्या होगा, पिक्चर ओके होने के बाद आवाज आ रही है और वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली पिक्चर होने के बाद भी हमारी आवाज आ रही है, वर्टिकली लाइन है लेकिन आवाज आ रही है, उस केस में हमारी पैनल फॉल्ट होगी। अगर हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में पिक्चर ओके है, ओके होने के बाद अगर हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में आवाज नहीं आ रही है और वर्टिकली लाइन आ गया है, एलईडी एलसीडी टीवी में हमारी क्या है, पिक्चर ओके बन रही है, उसके बाद कुछ देर बाद हमारी वर्टिकली खड़ी लाइन आ रही है और आवाज गायब है, इस केस में क्या करेंगे, हम मदरबोर्ड एरिया चेक करेंगे। यानी इस तरीके से हमारा पता चल गया कि हमारी पैनल का फॉल्ट है कि मदरबोर्ड का फॉल्ट है। अगर हमारी आवाज गायब है तो जान जाइए मदरबोर्ड फॉल्ट है, अगर आवाज आ रही है तो पैनल फॉल्ट है। इस प्रकार से हम फॉल्ट फाइंडिंग आराम से कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे आसान तरीका है कि मिनिमम सबसे सभी वोल्टेज चेक किया, यानी जो अगर मदरबोर्ड की है तो मदरबोर्ड की वोल्टेज चेक करेंगे, अगर पैनल की है तो पैनल की जो मेन मेन वोल्टेज चेक करेंगे, उसको आईसी को रिसोल्ड करके देखेंगे। अगर आईसी को रिसोल्ड करेंगे कभी भी लिक्विड पेस्ट से करेंगे, याद रखिएगा नॉर्मल पेस्ट का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल पेस्ट यूज करने से हमारी उसके अंदर आईसी के अंदर अगर रह जाती है तो भविष्य में यानी बाद में वो मॉइस्चर का रूप ले लेगा जिससे फिर फॉल्ट उत्पन्न होगी। इसलिए कभी भी हम करेंगे तो लिक्विड पेस्ट का ही यूज करेंगे, ये हमेशा याद रखिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिपेयर कर सकते हैं। एक बार और आपको समझा रहा हूँ, पूरे एकदम मिनिमम आपकी जो क्या है, मिनिमम आपकी कंफ्यूजन पूरा दूर करेंगे। ये वीडियो देखते रहिए आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर करेंगे। अगर हमारी पिक्चर ओके बन रही है, क्या हुआ एलईडी एलसीडी टीवी में अगर हमारी पिक्चर ओके बन रही है, ओके बनने के बाद अगर हमारी आवाज आ रही है, क्या हुआ पिक्चर ओके होने के बाद आवाज आ रही है और वर्टिकली खड़ी लाइन आ गई है, ओके पिक्चर बनने के बाद वर्टिकली खड़ी लाइन आ गई है और आवाज आ रही है, इस केस में हमारी पैनल फॉल्ट होगी। जो पैनल में हमारी क्या होगा, टिकोन आईसी और रैम आईसी फॉल्ट हो सकती है, यानी रैम और टिकोन में फॉल्ट है। उसके अगल बगल जो मिनिमम वोल्टेज है सभी वोल्टेज को एक्यूरेट चेक करेंगे। क्या करेंगे, सभी वोल्टेज को चेक करना बहुत जरूरी है। वोल्टेज चेक करने के लिए मिनिमम किसी भी वोल्टेज में फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट जो वोल्टेज होना चाहिए 3.3 वोल्ट रीसेट वोल्टेज, और मिनिमम जो है सभी वोल्टेज ओके होना बहुत जरूरी है। और क्या करेंगे हम, इस प्रकार से पता चल जाएगा कि हमारी ये पैनल फॉल्ट है। अगर आवाज आ रही है, अगर हमारी क्या होगा, अगर हमारी पिक्चर ओके चल रही है एलईडी एलसीडी टीवी में और अगर हमारी वर्टिकली लाइन आ जा रही है, क्या होगा पिक्चर चल रही है, अगर हमारी वर्टिकली लाइन आ रही है और आवाज गायब है, इस तरीके से वर्टिकल लाइन आके आवाज गायब है, इससे यह पता कर सकते हैं कि हमारी क्या है, मदरबोर्ड फॉल्ट है। और मदरबोर्ड में हम सीपीयू क्रिस्टल रैम सभी को चेक करेंगे, ये बात हमेशा याद रख लीजिए। कभी भी सीपीयू क्रिस्टल रैम चेक करेंगे, सभी जो वोल्टेज होगा वोल्टेज को एक्यूरेट सभी को चेक कर लेंगे। अगर वोल्टेज में हमारी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमको फॉल्ट देखने को मिलेगा, पिक्चर हमारी ओके चलेगी। यानी कभी भी याद रख लीजिए, अगर हमारी हो सकता है पिक्चर 10 मिनट चले या 20 मिनट चले, ठीक है, अगर हमारा पिक्चर से मतलब क्या है, अगर 10 मिनट चल रहा है चाहे 20 मिनट चल रहा है चाहे 25 मिनट चल रहा है चाहे 30 मिनट चल रहा है चाहे 1 घंटा चल रहा है, अगर हमारी पिक्चर चलने के बाद भी, अगर हमारी पिक्चर कितनों देर चला, अगर हमारी पिक्चर चलने के बाद कुछ देर बाद वर्टिकली लाइन आ जाती है और आवाज आ रही है तो ये हमारी पैनल फॉल्ट होगी। पैनल फॉल्ट में हमारी टिकोन आईसी और रैम फॉल्ट है, इसकी सभी बीसीसी वोल्टेज और सभी को चेक करेंगे। उसी प्रकार से अगर हमारी चाहे 10 मिनट चले चाहे 20 मिनट चले चाहे 30 मिनट पिक्चर चले, उससे मतलब नहीं है। अगर पिक्चर ओके चल रहा है उसके बाद खड़ी लाइन हमारी आ जा रही है और कोई भी आवाज नहीं आ रही है तो इससे यह स्पष्ट है कि हमारी क्या है, मदरबोर्ड फॉल्ट है। मदरबोर्ड में हमारी क्रिस्टल
क्या होगा, मदरबोर्ड में हमारी क्रिस्टल, सीपीयू, मेन आईसी, रैम फॉल्ट है, सभी वोल्टेज सभी चेक करेंगे, अगर ओके है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, यानी हो सकता है रिसोल्ड हो सकता है या नॉइस हो सकती है, मॉइस्चर हो सकती है, आईसी को निकाल कर कायदे से लगाएंगे, अगर फॉल्ट नहीं सही होता है तो आईसी जो मिनिमम होगा उसे बदलना पड़ेगा, हमारी फॉल्ट दूर हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से हम पैनल रिपेयर में हम पता कर सकते हैं कि मदरबोर्ड में फॉल्ट है कि हमारा पैनल में फॉल्ट है। इसी में मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले मेरा पैनल से रिलेटेड यानी कैसे रिपेयर किया जाता है, यानी पावर सप्लाई कैसे रिपेयर किया जाता है, पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाता है, ईप्रोम आईसी क्या होती है, ईएमएमसी क्या होती है, पूरी डिटेल यानी नॉर्मल एलईडी एलसीडी टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाता है, एंड्रॉइड टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाता है, पूरी वीडियो ये बन चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, पूरी फॉल्ट यानी मिनिमम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, मेन मिनिमम मेन चीज है, डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिएगा और आराम से आप पैनल रिपेयर नॉर्मल एलईडी एलसीडी टीवी और स्मार्ट टीवी कोई भी होगा उसे आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और उसे रिपेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आराम से जाकर देख लीजिएगा।